आज के प्रोग्राम के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में नहीं खोजा गया, पूरे हजारों हजार साल के इतिहास में। और जो हमारी परंपरा है, तो हमारे बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी सोचा जा सकता था, जो कुछ भी खोजा जा सकता था, वो भारत में खोजा गया। और इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत में कोई पैदा पौधा हो और उसके उपयोग और उसके सामाजिक उपयोग के बारे में ना सोचा गया हो। निश्चित तौर पर आयुर्वेद जो सामान्य व्यक्ति की आयु बढ़ाने का विज्ञान था, उसने जब इस पर विचार किया और दुनिया भर के सब प्रकार के पौधे, भारत के अंदर पैदा होने वाले हर पौधे पर काम किया गया। परंतु यह दुर्भाग्य रहा कि एक हजार वर्ष का ऐसा कालखंड आया जिसमें भारत के साहित्य को, भारत के विज्ञान को विखंडित किया गया। और उसके कारण ये प्रभाव हुआ कि भारत की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अपनी थी, उनको निगेटिविटी के साथ जोड़ दिया गया। आज वो समय छट गया है, लेकिन अब आवश्यकता है कि एक ऐसा प्रयास हो कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जिस प्रकार के विज्ञान के नई तकनीकी के अनुसार विज्ञान की ज़रूरत है, उसके ऊपर नए प्रयोग हों। पुराने जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन पुराने मौजूद हैं, पुरानी जो जानकारियाँ मौजूद हों, उनको नए विज्ञान के साथ जोड़कर सामान्य जन के लिए उसका उपयोग हो सके, ये करने की बहुत ज़रूरत है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देश जब गुलाम था, जब देश आज़ाद हो गया और जब देश के अंदर इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी, तब भी देश के लोगों का इलाज हमारे घर के अड़ोस पड़ोस के जो पौधे थे, जो हमारे आसपास जो प्राकृतिक चीज़ें थी, उनसे लोगों ने करते रहे। बड़े लोगों का, अमीर लोगों का, साधन संसाधन से युक्त लोगों का इलाज आज से 100 साल पहले भी अमेरिका में भी हो जाता था, भारत के भी बड़े हॉस्पिटलों में हो जाता था। लेकिन सामान्य व्यक्ति का इलाज ठीक प्रकार से हो सके, उसकी आयु की रक्षा हो सके, उसके जीवन की रक्षा हो सके, इसकी जिम्मेदारी अगर तय करनी है, तो सबसे पहले उसके नज़दीक, उसके पास और उसके बजट में, जो उसकी जेब को अलाउ करता हो, जो उसके खर्चे को अलाउ करता हो, 5 रुपये में क्या हम इलाज दे सकते हैं, क्या 1 रुपये में इलाज दे सकते हैं, क्या इस देश में तब इलाज हो सकता है। और ये मुझे लगता है कि यदि आज भांग एक्सपो हो रहा है, इस प्रकार के जब उत्पादों की हम बात करेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस के पौधों और उनके प्रोडक्ट्स के जब होने वाले इलाज की हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में बड़ी से बड़ी इलाज की जो योजना अगर हम बना पाए, तो वास्तव में ये कंट्रीब्यूशन होगा इस पूरे प्रोग्राम का समाज के लिए और देश के अंतिम व्यक्ति का, समाज के अंतिम व्यक्ति का इलाज इन सब चीज़ों से हो सके। उसके जेब के पॉकेट के में 1 रुपये खर्च किए बिना अगर इसका इलाज संभव हो सके, ऐसा विज्ञान हम लोग विकसित करके सामान्य जनता को उसकी जानकारी पहुंचा पाएं, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपो एकदम सफल होगा। और ये उसकी शुरुआत हुई है, मैं इस प्रोग्राम को बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं।